अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और ऑप्शन चेन के बारे में आप नहीं जानते हैं तो फिर आप कभी भी ऑप्शन ट्रेडर नहीं बन सकते। तो ऑप्शन चेन को कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, आप देखते होंगे ऑप्शन जो ट्रेडिंग करते होंगे तो आपको देखते होंगे ATM, OTM, ITM, बहुत ऐसे लोग आपको बोलता होंगे हमेशा ATM में ट्रेड करो, OTM में ट्रेड करो, ATM में ट्रेड करो। तो ये ऑप्शन चेन को कैसे एनालिसिस कर सकते हैं और ATM OTM क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, कौन सा बेस्ट स्ट्राइक प्राइस होता है, हर वो चीज़ हम जानेंगे। मतलब बेसिक से लेके एडवांस लेवल में हम लोग जानेंगे ऑप्शन चेन को कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। देखो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए ना ऑप्शन चेन एक लेफ्ट और राइट दोनों हाथ है, समझ लीजिए। अगर उस ये आप नहीं समझ पाएंगे तो आप फिर ऑप्शन सेलर को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन सेलर ऑप्शन बायर से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो बहुत सिंपल तरीका में हम लोग जानते हैं, इसमें आप ये भी जानोगे कि रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन कौन सा है, कहाँ से आपको लग रहा है कि कहाँ से मार्केट नीचे गिर सकता है, कहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, मतलब ये भी आप समझ सकते हो। मतलब आप रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन नहीं भी ड्रॉ कर, तो मान लीजिए बहुत ऐसे लोगों को चार्ट में रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन नहीं ड्रॉ करना आता है तो क्या करेगा, तब यहाँ पे देख के भी आप रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर सकते हो, उस बेस पे आप ट्रेड ले सकते हो। और ज़बरदस्त ये एक डाटा हो गया, देखो डाटा से ये पता चल जाता है कि जो बड़े बड़े जो DII हो गया, FII हो गया, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हो गया, ट्रेडर हो गया, तो वो कहाँ पर बाई कर रहा है, कहाँ पर सेल कर रहा है, क्यों बाई कर रहा है, क्यों सेल कर रहा है, जो आप इस डाटा से पता कर सकते हो। ऑप्शन चेन एक डाटा हो गया। तो सिंपल तरीका हम बताएंगे कि ऑप्शन चेन को आप कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, ATM, OTM और ATM क्या होता है, कौन सा बेस्ट स्ट्राइक प्राइस होता है, कहाँ से मार्केट नीचे गिर सकता है, कहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। तो दोस्तों ये एक ऑप्शन चेन है, तो मैं आपको एक अगेन इसको कट करके अगेन बता रहा हूँ, क्योंकि जो भी मेरा भाई लोग बिगिनर होगा उसको समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो अब यहाँ गूगल पर सर्च करना ऑप्शन चेन NSE, यहाँ पर सर्च करने के बाद आपको जो फर्स्ट वाला अभी देख रहे हैं, ये फर्स्ट वाला आप देख रहे थे, इस पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। तो इस पर आपको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, क्लिक कर देंगे तो आपको डायरेक्ट ऑप्शन चेन पर ही आ जाओगे। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आ गया ऑप्शन चेन में, तो यहाँ पर देखते हैं ना निफ्टी में अपडेट करते हैं, यहाँ पर निफ्टी आ जाएगा। यहाँ पर आप किसी का ऑप्शन चेन देखना चाहते हैं, डाटा देखना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए निफ्टी का, फिर निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, एक ये है, इसका भी आप ऑप्शन चेन एनालिसिस कर सकते हैं, या किसी भी आप स्टॉक का ऑप्शन चेन देख सकते हैं। ये भी इसमें आप देखिए एशियन पेंट हो गया, बहुत सारे ऐसे स्टॉक है, इसका भी ऑप्शन चेन देख सकते हैं। आप किसी एक्सपायरी अपडेट, आपको भी पता है कि वीक में एक बार एक्सपायरी होता है, तो एज ए इंडेक्स में, और आपको जैसे स्टॉक में मंथ में एक्सपायरी होता है, वो भी थर्सडे को होता है, तो आपको मालूम ही होगा। अभी बैंक निफ्टी का चेंज भी हो गया, फिर निफ्टी का भी एक्सपायरी चेंज हो गया, तो आपको यहाँ पे भी पता चल जाएगा। आप यहाँ पे कोई भी स्ट्राइक प्राइस आप चेंज कर भी सकते हैं, जहाँ पे आप वहाँ पे आप एंट्री लेना चाहते हैं, एग्जिट लेना चाहते हैं, इसको इतना ज़रूरत नहीं है। तो जैसे मान लीजिए मुझे निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस करना है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन मुझे ढूंढना है, कहाँ पर सेलर बैठा हुआ है, कहाँ पर बायर बैठा हुआ है, ये जानकारी हमको करना है। तो ऊपर में आप देख रहे हैं ना, ये इसका सबका डाटा का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। और इस साइड आप देखते होंगे, जैसे आपको मालूम ऑप्शन चेन लिए होंगे या ऑप्शन ट्रेडिंग करते होंगे, तो आपको मालूम होगा कि ऑप्शन बायर आप होंगे, तो जब भी आप कॉल का मतलब होता है मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ पे कॉल लेने इसका मार्केट ऊपर जा रहा है, पुट का मतलब होता है मार्केट नीचे जा रहा है, तो लोग पुट लेते हैं। ये ऑप्शन बायर के हिसाब से बोलता हूँ, क्योंकि इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग में दो टाइप का होता है ट्रेडर, एक ऑप्शन बायर होता है, एक सेलर होता है। तो हम लोग ऑप्शन बायर है, तो हम लोग ऑप्शन बायर के हिसाब से बताते हैं, कि ऑप्शन सेलर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है और बहुत कुछ जानता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फंड लगाता है, तो हम लोग ऑप्शन बायर है। तो मार्केट कॉल का मतलब होता है मार्केट ऊपर जाता है तो हम कॉल लेते हैं, मार्केट नीचे जाता है हम लोग क्या करते हैं, पुट लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं OI, उसका OI का मतलब तो ओपन इंटरेस्ट होता है। ओपन इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि आज के डेट में ओपन इंटरेस्ट के मतलब होता है कि कितने लोग बाई और सेल किया हुआ है। यहाँ पे देखते होंगे ओपन इंटरेस्ट, देखिए कहीं पे कम होगा, कहीं पे ज़्यादा होगा, यहाँ पे देखते होंगे यहाँ पे। तो ओपन इंटरेस्ट मतलब बाई और सेल दोनों मिला के जो वॉल्यूम होता है यहाँ पे कैलकुलेट होता है, कितने लोग बाई सेल करते हैं। यहाँ पे देखिए ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे 208,407 है, यहाँ पर 96 स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से यहाँ पे देखते हैं, ये स्ट्राइक प्राइस है।
तो यहाँ पे 96,000 हो गया, यहाँ पे 1,36,000 हो गया। तो ये एक ओपन इंटरेस्ट हो गया। मैं आपको आगे बताऊंगा कि ओपन इंटरेस्ट का क्या फ़ायदा होता है। चेंजिंग इन ओआई होता है, मतलब आज कितना लोग बाई और सेल किया है, इसको चेंजिंग ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं। इसका क्या फ़ायदा, ये भी हम आपको बताऊंगा। वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब ये एक स्ट्राइक प्राइस है। आप देखते होंगे, आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते होंगे या इंडेक्स में, तो आपको स्ट्राइक प्राइस आप चुनते होंगे। जैसे मान लीजिए अभी निफ्टी 20,133 पर ट्रेड कर रहा है, तो आप 20,000 का सी लेते होंगे, 20,000 का पी लेते होंगे। तो ये एक स्ट्राइक प्राइस हो गया यहाँ पे, तो ये स्ट्राइक प्राइस हो गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ के कौन से स्ट्राइक प्राइस पर कितना ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट है, चेंजिंग ओआई है, यहाँ पर वॉल्यूम है, कौन से स्ट्राइक प्राइस पर कितना वॉल्यूम है, वॉल्यूम का क्या फ़ायदा हो सकता है, ये मैं बताता हूँ। वॉल्यूम का फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पर आपको बाई और सेल करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, तो वॉल्यूम का ये फ़ायदा होता है। दूसरा आईवी है, एलटीपी है। एलटीपी मतलब जहाँ पर आप मान लीजिए 20,150 पर आप मान लीजिए स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किया है, तो आपको कितना प्रीमियम मिलेगा। प्रीमियम का मतलब ये होता है कि ये कितने रुपया में मिलेगा एक लॉट, तो यहाँ पे दिखाई देगा। ये है आपको चेंजिंग, इसमें आपको दिखाएगा कि आपको कितना पॉइंट प्रॉफिट में है, कितना पॉइंट लॉस में है। तो यहाँ पे देखिए, इस स्ट्राइक प्राइस पर जैसे 20,002 पे स्ट्राइक प्राइस पर आपको इतना पॉइंट का लॉस दिख रहा है। बिट क्वांटिटी, बिट ये इतना, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं, ये आपको बताओ, ये इतना आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। सेम इसमें भी है, ये इतना आपको जानने का ज़रूरत नहीं है, दोनों में चेंजिंग कुछ खास नहीं है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग बेसिक्स जानते हैं ओपन इंटरेस्ट के, मतलब ओपन इंटरेस्ट से आपको क्या फ़ायदा मिल सकता है। देखिए मैं आपको क्या बोला कि कितना बायर है सेलर दोनों मिला के कैलकुलेट होता है, जो वहाँ पे एड होता है। तो जहाँ पर जितना ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट होता है, वो एक रेजिस्टेंस होता है। यहाँ पर कॉल साइड के मैं बात कर रहा हूँ, कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है जितना ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट होगा वहाँ पे रेजिस्टेंस होता है, वहाँ से मार्केट क्या होता है नीचे गिरने का चांस ज़्यादा रहता है। हम लोग ऑप्शन बायर के हिसाब से बताते हैं, तो जैसे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे है 208,407, मतलब इसका स्ट्राइक प्राइस मतलब 20,200 पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। ये एक स्ट्राइक प्राइस है, आप लोग पता ही होगा 20,200 पे है ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा, मतलब 20,200 पे रेजिस्टेंस है। यहाँ से हो सकता है मार्केट नीचे गिर सकता है, ये इसका क्या हो गया, इसका हो गया ये फर्स्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। 20,200 पे बहुत ही पावरफुल रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ से हो सकता है नीचे गिरने का ज़्यादा चांस है। अगर मान लीजिए 20,002 को ब्रेक कर दिया, ऐसे तो कम चांस है ब्रेक करना, लेकिन इसको ब्रेक कर दिया तो मार्केट बहुत ही अच्छा मोमेंटम कर सकता है, और फिर इसका नेक्स्ट टारगेट होगा 20,200 पर यहाँ पे। तो दूसरा हमारा ये हो गया, फर्स्ट रेजिस्टेंस हमारा ये हो गया, ठीक है। दूसरा रेजिस्टेंस आप देखिए सबसे ज़्यादा फिर ओपन इंटरेस्ट कहाँ है, तो सबसे दूसरा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे 1,36,000 है, ये कहाँ पे है 20,300 पे। तो यहाँ पे क्या, अगर मान लीजिए उसको ब्रेक कर दिया 20,200 को, तो यहाँ पे आ सकता है 20,300, फिर यहाँ से मार्केट यहाँ से नीचे गिरने का ज़्यादा चांस है। तो यहाँ पे हम क्या है, ओपन इंटरेस्ट क्या है कि सबसे ज़्यादा जहाँ पर ओपन इंटरेस्ट रहता है, तो वो हमारे रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। सिंपल तरीका मैं आपको बताऊँगा, तो 20,200 पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, ये हमारा एक रेजिस्टेंस है, आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। और दूसरा रेजिस्टेंस हमारा ये हो गया 20,300 के पे, अगर मान लीजिए 20,200 को ब्रेक कर दिया तो 20,300 पे मार्केट आ सकता है। चेंजिंग वाई का क्या फ़ायदा है, चेंजिंग वाई का मतलब ये होता है कि आज कितना चेंज हुआ है, कितना ऐड हुआ है। तो इससे ये भी फ़ायदा ये है कि आप अगर स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते हैं या इंट्रा ट्रेडिंग करते हैं, तो इसको देख के भी आप ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब मान लीजिए हम लोग शॉर्ट टाइम के लिए ट्रेडिंग करते हैं, जैसे 5 मिनट 10 मिनट या 2 घंटा 3 घंटा के लिए, तो हम चेंजिंग वाई का यूज कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जहाँ पर चेंजिंग वाई रहेगा, ये हमारे एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा चेंजिंग वाई कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा चेंजिंग हो गया यहीं पर, सेम ही दिखाता है, जैसा रहता है वहीं पर रहता है, वो ज़्यादा चेंजिंग नहीं रहता है। तो यहाँ पर देखिए 20,002 पे भी चेंजिंग वाई यहाँ पर 73,000 है। दूसरा सबसे ज़्यादा चेंजिंग वाई कहाँ पर है, तो दूसरा वही है 20,300, सेम ही रहता है, कोई चेंजिंग नहीं रहता है। वॉल्यूम मतलब ये होता है, वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि आपको बाई और सेल करने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग वॉल्यूम से ट्रेड करते हैं, क्वांटिटी से लोग ट्रेड करते हैं। तो वॉल्यूम का जितना ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पर अच्छा रहता है कि आप ट्रैप मतलब आपको बाई और सेल करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा।
आईपी एम्प्लॉयड वोलाटाइल होता है। एम्प्लॉयड वोलाटाइल का मतलब कि आप जितना इतना आप इसको यूज, इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, इतना आपको जानकारी इसमें लेना जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये एम्प्लॉयड वोलाटाइल समझ लिया, आप जितना छोड़ कम रहेगा वहाँ पर आपको एंट्री लेना है, और जितना बढ़ेगा ना वहाँ पर आपको क्या, जितना एम्प्लॉयड आप मान लीजिए आप पाँच, इसका एम्प्लॉयड वोलाटाइल सिर्फ पाँच है, अब वहाँ पर आप एंट्री ले लिया, इसके बाद वो जितना बढ़ेगा ना उतना आपका प्रॉफिट होता रहेगा। लेकिन आप ज़्यादा महंगा जैसे वहाँ पर 10 पे लिए इम्प्लाइड वोलेटाइल 10 है, वहाँ पर आप बाई किए ठीक है, और वो जितना घटेगा उतना आपका लॉस हो सकता है। तो इतना जितना ज़्यादा रहेगा उतना अच्छा रहता है, लेकिन वहाँ पर आपको स्टार्टिंग में थोड़ा जानना जरूरी है, लेकिन इतना उसका ये इतना मायने नहीं होता है मेरे हिसाब से। LTP का मतलब ये होता है कि मान लीजिए हम 20,200 पे हम मेरा स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर मैं अगर मार्केट में ऊपर जा रहा है तो मैं यहाँ पर कॉल लेना चाहता हूँ, तो मैं 20,200 को मैं यूज किया, तो यहाँ पे इसका LTP का मतलब प्रीमियम, तो इसके लिए मेरा 40 रुपया हमारा एक लॉट का देना पड़ेगा, मतलब 40 रुपया प्रीमियम हो गया एक क्वांटिटी का, तो इसका मैं प्रीमियम हो गया। जैसे मान लीजिए हम बैंक निफ्टी में ट्रेड करते थे तो इसका 40 रुपया हो गया, इसमें एक लॉट के 50 रुपया होता, तो आप 40 को 50 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उतना पैसा आपको देना पड़ेगा ठीक है। ये इसमें प्रॉफिट लॉस दिखाता है और इतना कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो ये हो गया आपका कॉल साइड में, सेम पुट साइड में भी सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है, पुट साइड में भी वही कुछ ज़्यादा चेंजिंग नहीं है, उसका बस उल्टा है ठीक है। और इसमें आपको जानना ये है कि ATM OTM क्या होता है, ये भी जानना ज़रूरी है। देखिए ATM मतलब आपको जब भी आप एक चीज़ आप जान लो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ITM और OTM क्या होता है। ITM जब भी आप ट्रेड करते हैं ना, हमेशा ATM और ITM और ATM में ट्रेड करना। ATM मैं आपको इसका प्रॉब्लम भी आज सॉल्व कर ही देता हूँ। एक होता है OTM ठीक है, OTM तो क्या होता है ये जानना जरूरी है। देखो ITM मतलब होता है इन द मनी, ATM मतलब होता है एट द मनी, और OTM मतलब और द मनी, मतलब ये आप इन द आपको जितना इन द मनी में आप अगर मान लीजिए ट्रेड लेते हैं इन द मनी में, जिसका स्ट्राइक प्राइस इन द मनी में लेते हैं, तो इसमें क्या है आपका प्रॉफिट होने के चांस बहुत ही ज़्यादा रहता है। आपको पता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में एक होता है थीटा डीके होता है, मतलब अगर मार्केट साइडवे रहता ना तो आपका लॉस होने का ज़्यादा चांस रहता है, ऐसे थीटा डीके के कारण आपका लॉस हो जाता होगा। लेकिन अगर इन द मनी में ट्रेड करते हैं ना तो वहाँ पर थीटा डीके थोड़ा कम होता है, इसमें आपको क्या है आपका प्रॉफिट भी बहुत ही फास्ट बढ़ता है। अगर मान लीजिए आपके अकॉर्डिंग मार्केट ऊपर जा रहा है तो प्रॉफिट बहुत ही फास्ट बढ़ता है, लेकिन लॉस भी फास्ट होता है। वही सेम एट द मनी में है कि आपको एट द मनी में क्या होता है कि इसका प्रीमियम आपको एट द ATM से थोड़ा कम होता है, एट द मनी का प्रीमियम थोड़ा सस्ता रहता है, ये एट द मनी है ना थोड़ा महंगा रहता है, मतलब मगर इसका प्रीमियम आप देखिए ये अब मैं आपको बताऊँगा अभी महंगा कैसे है। जैसे ये ग्रीन टाइप का आप देख रहे हैं ना, ये ग्रीन टाइप का ये होता है एट द मनी, इसका प्रीमियम महंगा है। जैसे मान लीजिए ये ग्रीन है यहाँ पे 20,150 है, ये एट द मनी हो गया, इन द मनी हो गया, तो इसका प्रीमियम देखिए महंगा आपको दिखता होगा 63 रुपया है यहाँ पे, मतलब आप समझ लीजिए इसका प्रीमियम लेंगे तो 50 क्वांटिटी को आप 63 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इतना आपको पैसा देना पड़ेगा तब आप ट्रेड लेंगे। ये हो गया क्या एट द मनी, और एट द मनी में ये सब आता है, ये सब महंगा आपको मिलेगा, लेकिन इसमें क्या है आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है और लॉस भी थोड़ा ज़्यादा ही होता है आपका अगेंस्ट जाता है तो, लेकिन थीटा थोड़ा कम डीके होता है। ये हो गया एट द मनी। ये देखिए अगर ये वाला आप देख रहे हैं ना, जहाँ पर मार्केट ट्रेड हो रहा है, जैसे मान लीजिए 20,133 हो गया, तो 20,133 हो गया आइए, तो ये हो गया 20,133, तो ये कन्फर्म तो नहीं बता सकते, तो ये है 20,200 या 20,200 है ना, तो 20,200 ये हो गया क्या एट द मनी हो जाता है, मतलब 133 इसके 200 के आसपास में जो होता है ना वो एट द मनी में आ जाता है, जहाँ पे आप ट्रेड करते हैं। जैसे मार्केट अभी एक 20,133 पर चल रहा है, तो 20,150 ये हो गया, मतलब ये हो गया इन द मनी में, तो ये हो गया 20,200 हो गया, ये हो गया एट द मनी 20,250 हो गया, ये भी आप एट द मनी में कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे ये हो गया ठीक है। ये तो एट द मनी का क्या फ़ायदा है, ये इसका ये आपका एट द मनी हो गया, जहाँ पर ट्रेड होता है तो वहाँ के आसपास एट द मनी हो जाता है, मतलब इसमें क्या है कि आपका प्रीमियम एट द मनी इन द मनी से थोड़ा सस्ता मिलेगा, लेकिन इसमें क्या है कि
आपको उसमें इसके अकॉर्डिंग इसके RTM के अकॉर्डिंग थीटा थोड़ा डीके होता है, लेकिन OTM के अकॉर्डिंग थीटा थोड़ा ज़्यादा कम डीके होता है। तो इसमें भी आप हमेशा ट्रेड करना तो हमेशा एट द मनी में ट्रेड करना या इन द मनी में ट्रेड करता हूँ। मैं खुद अपना बताऊँ तो मैं हमेशा इन द मनी में ट्रेड करता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ट्रेड करूँगा तो मैं हमेशा 20,150 का ट्रेड लूँगा निफ्टी में, बैंक निफ्टी में सेम, या तो 20,100 का मैं ट्रेड लूँगा। हमेशा इन द मनी में ट्रेड करता हूँ। इसमें प्रॉफिट भी मेरा अच्छा होता है, लॉस भी होता है, लेकिन थीटा डी के कारण ज़्यादा लॉस नहीं होता। ये हो गया ये 20,200 एट द मनी हो गया। इसके बाद जितना भी आप देख रहे हैं स्टॉक प्राइस, ये सस्ता वाला सब और द मनी है, सब और द मनी। आपको ये आप सस्ता दिखता होगा, ले बहुत ऐसे लोग सस्ता देख के यहाँ पर ट्रेड लेते हैं, इसलिए ट्रैप हो जाते हैं। यहाँ पे क्या कि आप सस्ता तो दिख रहा है, लेकिन थोड़ा भी मार्केट साइड में रहा ना, आपका प्रीमियम ऑलमोस्ट 10 से 20 पॉइंट गिर जाएगा, और मार्केट ऊपर भी जाएगा ना तो फिर भी आप लॉस में ही रहोगे। तो हमेशा आपको सस्ता देख के कभी भी ट्रेड आपको नहीं लेना, ये याद रखना। हमेशा हमेशा एट द मनी और इन द मनी में ट्रेड करना है। बहुत ऐसे लोग बोला कि सर बेस्ट स्ट्राइक प्राइस कौन सा होता है, तो बेस्ट स्ट्राइक प्राइस ये होता है, जैसे मार्केट अभी 20,133 चल रहा है, तो आप बेस्ट स्ट्राइक प्राइस आप ले सकते हैं 20,200 ले सकते हैं, या 20,100 ले सकते हैं, ये 150 ले सकते हैं। तो ये सब एक बेस्ट स्ट्राइक प्राइस हो गया। ये यहाँ पे आप देख के यहाँ पर लग सकते हैं, यहाँ पर मैं बताऊँ तो जैसे 20,200 एक अच्छा स्ट्राइक प्राइस चुनना हो जाता है, 20,150 एक अच्छा स्ट्राइक प्राइस हो गया, अब 20,100 ये भी एक अच्छा स्ट्राइक प्राइस हो गया। तो ये आप चूज कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए, लेकिन ये सब ट्रेड मत करना। सेम अकॉर्डिंग यहाँ पे भी है, सेम ये पुट में भी यही है। ये हो गया क्या एट द मनी, ये ग्रीन आपको देखता है तो ये एट द मनी हो गया ATM। ये सेम आपको ये हो गया, ये इसमें आप देखिए जहाँ पर मार्केट ट्रेड कर रहा है, ये वाला कोई चेंजिंग नहीं है। ये हो गया इसका क्या 20,150, ये हो गया एट द मनी, ये हो गया इन द मनी हो गया, ये ग्रीन में आप देखते हैं इन द मनी हो गया, या 20,150 एट द मनी हो गया। और इसके बाद जितना भी आपको ये सस्ता दिख रहा है ना, ये टोटल हो गया और द मनी। तो कभी भी इसके नीचे वाला आपको गलती से आपको स्ट्राइक प्राइस चूज मत करना ट्रेडिंग के लिए, या तो ये चूज करना, या तो ये चूज करना, या तो ये चूज करेंगे, इसके नीचे जितना भी करेंगे वो सब अच्छा होता है, हमें से याद रखना। तो ये है बेस्ट ऐसे स्ट्राइक प्राइस आपको ट्रेड करना है। सेम इसका इसमें आप सपोर्ट कैसे निकाल सकते हैं ये भी जानकारी लेते हैं। तो पुट साइड में देखिए, पुट साइड में आपको क्या करना है, पुट साइड में भी देखिए, जैसे पुट साइड में सबसे ज़्यादा OI कहाँ है, सबसे ज़्यादा OI मतलब कहाँ है, तो यहाँ पे 1,61,000 हो गया। कितने पे है तो 20,100 पे सबसे ज़्यादा, 20,100 पे सबसे ज़्यादा OI है, ओपन इंटरेस्ट है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, सपोर्ट हो गया, फर्स्ट सपोर्ट ये हमारा ये हो गया 20,100। इसके बाद सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा हमारा ओपन इंटरेस्ट हो गया 20,000 पे, तो दूसरा हमारा सपोर्ट ये हो गया। यहाँ से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये हमको सिंपल तरीके में बताया, जैसे मैं आपको बताया इसमें OI ओपन इंटरेस्ट चेंजिंग OI वॉल्यूम IV LTP सेम जैसे ये है सेम वही है, डिफरेंट कुछ बस उसका उल्टा कर दिया। पुट में क्या है कि आपको पुट में हमेशा ये वाला आपको मैं क्या बोला, हमेशा इन द मनी में ट्रेड करना। जैसे ये आपको 20,100 ले सकते हो, 20,250 ले सकते हो, 20,150 ले सकते हो। इसमें आपको ये पुट के लिए बेस्ट स्ट्राइक पर ये हो गया, और कॉल के लिए बेस्ट स्ट्राइक पर आपको हो गया कौन सा 20,200, 20,150, 20,100। तो ये हो गया कॉल के लिए बेस्ट स्ट्राइक प्राइस। तो दोस्तों ये हमारा ऑप्शन चेन का बेसिक्स लेके मैं एडवांस लेवल में बताया। ऑप्शन चेन में लोग देखता क्या, ऑप्शन चेन में ये देखता है कि सबसे ज़्यादा OI कहाँ है, सबसे ज़्यादा यूज कौन सा होता है ये आप जान लो। सबसे ज़्यादा यूज होता है ये ओपन इंटरेस्ट, ये OI, दूसरा होता है स्ट्राइक प्राइस, तीसरा होता है LTP, और बस हो गया स्ट्राइक प्राइस, चौथा हो गया ये एट द मनी और इन द मनी। जैसे ये बताइए ये इन द मनी हो गया, यही सेम होगा एट द मनी या इन द मनी, चौथा ये हो गया, और कुछ भी यूज नहीं होता है। और PCR कैसे निकालना है इस पर ऑलरेडी वीडियो आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था ऑप्शन चेन का बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक, ये आप निफ्टी बैंक निफ्टी किसी भी का सेम ही होता है, हर जगह यूज करता है। तो वीडियो कैसा लगा मेरे भाई जरूर कमेंट करना, और लाइक करना, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।